आपको यकीन आ गया कि आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं, या आपको लगा कि ये नहीं, ये फ्रॉड होगा, ये कोई डाउट वाली बात है, मैं कैसे बन सकती हूँ? अभी मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ फैशन डिजाइन की। सारे मुझसे पूछते हैं कि ये कैटेगरीज अलग अलग क्यों है, तो हर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही इंटरनेशनल पेजेंट में हम जाएंगे। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मदर की थी, ही इज सो हैप्पी और बहुत ज्यादा खुश थे कि मेरी बेटी अब मिस पाकिस्तान ग्लोबल है। अगर तो मुझे ऐसी कोई ऑफर आती है, मैं तब करूंगी जब वो किसी सोशल इशू पे बात हो रही होगी पाकिस्तान की। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पे कोई काम नहीं कर रहा, तो इस पे अगर वर्किंग हो तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं? खाला स्टार्ट क्राइंग के, माशाल्लाह, शी गॉट इमोशनल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, ये कुछ दिन पहले तो गुमनाम थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये इनकी स्क्रीन पर अपेयरेंस होती है और फिर ऐसी अपेयरेंस होती है कि पूरे पाकिस्तान में इनके नाम को जाना जाने लगता है। तो मेरे साथ आज की बहुत ही खास मेहमान मिस पाकिस्तान ग्लोबल वरदा मुनीब राव मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल बन गई, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो इस जर्नी की बात कर लेते हैं। यू हैव बीन नाउ मिस पाकिस्तान ग्लोबल। मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनने का सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कम्प्लीट कब हुआ? अभी मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। फैशन डिजाइन की। तो अभी मैं पढ़ रही थी, तो मुझे ख्याल आया, मेरी टीचर ने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड अप्लाई इन मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। तो मैंने अप्लाई किया और राइट नाउ आई एम हियर टुडे जस्ट बिकॉज हमारी ट्रेनिंग्स हुई। उसके पीछे बहुत ज्यादा हाथ मिस सोनिया अहमद का है जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और सारा हमें हेड टू टू हमारी ग्रूमिंग हुई सारी। तो आपको ये कॉन्फिडेंस था कि आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल बन सकती हैं, कि आप में ये क्राइटेरिया जो इनका है आप उसको मीट कर सकती हैं? मैंने देखा कि एलिजिबल तो मैं हूँ, थोड़ा सा अपने पे बिलीव था बट इतना ज़्यादा नहीं था कि पता नहीं मैं विन करूँगी या नहीं करूँगी, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये तो हंड्रेड्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। ऐसा ही, एंड यू आर द वन अमंग ऑल दैट कि आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनी हैं। एक्चुअली हम टोटल 6 लड़कियां क्राउन हुई हैं। हाँ। इस टाइम पाकिस्तान जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें मिस पाकिस्तान ग्लोबल है, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल है, मिस एमएस पाकिस्तान है, एंड यू आर मिस पाकिस्तान ग्लोबल। ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल क्या है, बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। देखिए जब देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड 30+ पेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक लड़की अगर बनेगी तो वो 30 ममालिक में यानी कि 30 कंट्रीज में नहीं ट्रैवल कर सकती पूरे साल में। तो दे वांट कि उनके पास कैटेगरीज हों ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लड़कियां जा सकें, आ सकें। तो इसीलिए मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल इसलिए है कि मैं भी इसी तरह से ट्रैवल कर सकूँ जब इंटरनेशनल पेजेंट्स हों, क्योंकि अगर ज़्यादा लड़कियाँ होंगी तो वो इंटरनेशनली जा सकेंगी। तो इसके पीछे ये कहानी है। सारे मुझसे पूछते हैं कि ये कैटेगरीज अलग अलग क्यों हैं, तो हर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही इंटरनेशनल पेजेंट में हम जाएंगे। आप जिस कैटेगरी में, इसमें क्या चीज थी जिसने आपको ज्यादा एज दिया, आपकी हाइट, आपकी ब्यूटी या कुछ और? ये एक्चुअली ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है आपकी, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी उठना बैठना, आपके आपका लोगों के साथ ट्रीटमेंट कैसा है, आप किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से आपका बिहेवियर है, तो इसमें ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, एक कोई फैक्टर नहीं होता। अच्छा, ये जो क्राउन आपने सर पे पहना है बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपको डेफिनेटली प्राउड भी फील कर रही होंगी। इस क्राउन की क्या रियलिटी है? बहुत सारे व्यूअर्स समझते हैं कि इसके ऊपर जो स्टोन्स लगे होते हैं ये डायमंड में होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायमंड के लिए ये जस्ट स्टोन्स हैं, ठीक है। और इसकी कहानी यही है कि ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड वालों ने मुझे दिया है क्राउनिंग सेरेमनी के दौरान, एंड आई फील रियली प्राउड के और रियली ऑनर्ड के मुझे ये क्राउन मिला एज अ मिस पाकिस्तान ग्लोबल। अच्छा वरदा, आप जब मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनी, आपको ये कैसे पता चला, आप कहाँ पर थी और उसके बाद जो एक इंस्टेंट फीलिंग्स होती हैं वो क्या थी? एक्चुअली मुझे जब पता चला, मुझे जब बुलाया गया कि आपकी सेरेमनी होगी इस तरह और आपने स्टेज पर आना है, और मुझे जब सैश पहनाई तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैं मिस पाकिस्तान ग्लोबल हूँ अब। और बहुत मतलब मेरी फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती। मैं क्या पता कैसे चला आपको, किस टाइम पता चला और कैसे पता चला? सोनिया ने मुझे गाइड किया था इस बारे में कुछ दिन पहले कि आपने तैयारी फोन पे आपको बताया जी।
अच्छा। अपनी सेरेमनी के लिए ड्रेस प्रिपेयर रखना है ठीक है, और रिहर्सल हमारी कोचिंग क्लासेस हुई थी 1 मंथ की, जो कि मिस डॉक्टर शफक ने ली थी और मिस सोनिया अहमद ने ऑनलाइन ली थी, जिसमें हमने पेजेंट के क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स उनको आपने रेडी करना था। वो 500 कुछ थे, और जो क्वेश्चन था वो सडन पूछा जाता है ऑन स्टेज में। बहुत से मतलब मिसकंसेप्शन है कि हमें शायद स्क्रिप्ट मिलता है, पहले हमारी प्रिपरेशन जरूर होती है इतने ज्यादा क्वेश्चंस की, और उसके बाद हमसे पूछा जाता है। आपको जब पता चला कि आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं, आपको कॉल आई, आपने बताया, आपको यकीन आ गया कि आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं, या आपको लगा कि ये नहीं, ये फ्रॉड होगा, ये कोई डाउट वाली बात है, मैं कैसे बन सकती हूँ? नहीं, यकीन नहीं आया। मैंने इतनी दफा बार बार पूछा, मैम इज इट रियल, सच्ची में ऐसा है, अब क्या होगा? आई वाज सो पैनिक, मतलब वो सांस फूल गया और मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, आप वर्धा कभी चल के इधर जा रही है, कभी चल के इधर जा रही है, वो अजीब। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, अब मतलब अब सेरेमनी है, मतलब जाना है, अब क्या करना है, वो ड्रेस तैयार करना है, मतलब यू नो लाइक मैं बिल्कुल पैनिक थी कि क्या होगा, कैसे होगा। फैमिली सपोर्ट कितनी थी? सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? सबसे ज्यादा फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी फैमिली मतलब एक ब्रॉड माइंड फैमिली है, और एक एजुकेटेड फैमिली है जो अच्छी बुरी चीजों को समझती है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मदर की थी। आपकी मदर हर जगह आपके साथ भी होती है? हर जगह एक ही कदम पर मेरे साथ थी। इवन मैं आपको एक छोटा सा वाक्य इंसिडेंट जी आप बताएं, शेयर करें। जब मेरा एक प्रोफेशनल शूट, उन्होंने कहा कि हमें आपका एक प्रोफेशनल शूट चाहिए मिस पाकिस्तान ग्लोबल, मिस पाकिस्तान, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने कलर करवाने के लिए कुछ स्टफ मैंने दिया हुआ था अपना, ठीक है, जिसे कलर करवाने के लिए दिया हुआ था वो आया ही नहीं जिस दिन उसने मुझे डेट दी कि आपने इस टाइम पे आना है और मुझे कलर वाले मतलब चीजें आपने लेके जानी है। उसकी शॉप बंद और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कल मेरा शूट है, अब मैं क्या करूँ? एंड माई मदर वॉज लाइक, अच्छा कुछ करते हैं, इट्स ओके, डोंट पैनिक, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर जो शॉपकीपर्स थे उससे उस बंदे का एड्रेस लिया, इवन वो हमारी कॉल भी नहीं उठा रहा था, और फिर उससे एड्रेस लिया शॉपकीपर से, और उसकी हम घर गए, उसे कहा प्लीज आप हमें हमारा एड्रेस दे दें, हमारा कल शूट है। और फिर जाके हमें बहुत मुश्किल से मतलब मिला वो एड्रेस भी, और वो एड्रेस भी ऐसा कि प्रॉपर एड्रेस नहीं था, हमें बताया था इस जगह पे जाके इस बंदे का नाम ले लेना और पूछते पूछते पहुंच जाना, हम पूछते पूछते गए जस्ट बिकॉज मेरी वालदा की हिम्मत थी, वो ले गई मुझे। और मेरे साथ मामा शूट पे हर जगह मेरे साथ होती हैं, अभी बैक स्टेज भी मेरे साथ, बैक स्टेज भी हमने देखा आपके। फादर की भी सपोर्ट है इस मामले में? बिल्कुल, ही इज सो हैप्पी। अभी वो काम से सडन उनको जाना पड़ा है आउट ऑफ कंट्री, बट ही इज सो हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरी बेटी अब मिस पाकिस्तान ग्लोबल है और अब वो पूरी दुनिया में जानी जाएगी। मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, एक आप हैं और एक छोटा भाई, एक भाई और आप अकेली बहन, और मेरा भाई बहुत खुश था। अच्छा, एक्चुअली उसका एग्जाम था, उसने थोड़ी सी लेट सेरेमनी ज्वाइन की, पर जब उसने ज्वाइन की वो बुके लेके आया, फोटो मुझे पकड़ाया उसने ऑन स्टेज आकर, एंड आई वाज सिंगिंग, वाओ यार क्या फीलिंग्स होंगी जब आप स्टेज पे हैं, फैमिली की इतनी ज्यादा सपोर्ट है, और आपको आपका भाई मतलब आपकी कामयाबी पर ऑब्वियसली बुके पेश कर रहा है, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। अच्छा वर्धा, आपने बताया कि आप थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आपने एक यंग एज में, इट्स अ बिग अचीवमेंट, उसके बाद ऑब्वियसली आपने इस चीज़ को मेंटेन भी करना है, कैरी भी करना है, आपकी जो फिजीक है तो इसको मेंटेन करने के लिए आप पहले भी कुछ करती थी, कुछ डाइटिंग, कुछ जिम शिम या कुछ और? जिम शिम तो नहीं, बिकॉज आई एम डिज़ाइन स्टूडेंट, बट हाँ मैं एक बेसिक एक्सरसाइज मतलब आप अपना ख्याल रखते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, और अपनी डाइट का ख्याल इस तरह से रखती हूँ, मैं जंक फूड वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैं हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ और वाटर का इंटेक ज़्यादा लेती हूँ, और इसमें आपके ना घर का इन्वायरमेंट भी होता है, हमारे घर में हम लोगों में से कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता, हम लोग गर्म पानी पीते, गर्म पानी, प्रॉपर गर्म या रूम टेम्परेचर वाला पानी, गर्म पानी होता है या नॉर्मल पानी? ऑब्वियसली आप पाकिस्तान ग्लोबल हैं, मिस पाकिस्तान ग्लोबल, तो आपको ब्रांड्स शूट्स भी आपको ऑफर होंगे, स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगी, मूवीज भी ऑफर होंगी, सॉन्ग्स भी ऑफर होंगे, तो मुस्तकबिल में कुछ सॉन्ग शॉन्ग करने का कोई इरादा, मूवी शो भी करने का कोई इरादा है?
ये वो सवाल है जो सब पूछ रहे हैं अभी मेरे से. तो इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि अगर तो मुझे ऐसी कोई ऑफर आती है, मैं तब करूँगी जब वो किसी सोशल इशू पे बात हो रही होगी पाकिस्तान के. मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जस्ट एक टाइटल नहीं है, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और एक अच्छे अंदाज में करना है कि लोगों को पता हो कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और पाकिस्तान के क्या ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप ऑब्वियसली अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे, डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर आप बाकायदा तौर पर मॉडलिंग या फिर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का कोई इरादा रखती हैं? देखिए, मैंने आपको बताया मैं फैशन डिज़ाइन कर रही हूँ. वैसे मेरा मेजर है लेदर एक्सेसरीज एंड फुटवेयर डिज़ाइन, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं. तो मैं चाहती हूँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान में लेदर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर लेदर की प्रोडक्ट्स बाहर नहीं भेजी जाती. ठीक है, लेदर भेज देते हैं. Yes. मैं चाहती हूँ, पहले तो मेरा ये है कि एक पूरा प्रॉपर ब्रांड खोला जाए जिसमें पाकिस्तान का ठप्पा, पाकिस्तानी ब्रांड हो, मेड इन पाकिस्तान हो, मेड इन पाकिस्तान. और हमारे यहाँ, बल्कि ये तो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, उसमें एक मेजर रीज़न ये भी है कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते. हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं उनको पसंद करते हैं. जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसकी जो पेमेंट है वो भी डॉलर्स में करनी पड़ती है. डॉलर जब कंट्री से बाहर जाता है, हमारी इकॉनमी डाउन जाती है, तो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पे कोई शख्स काम नहीं कर रहा. तो इस पे अगर वर्किंग हो तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले हो सकता है अगर इस पर काम किया जाए. जस्ट बिकॉज इस पे काम नहीं किया जा रहा. ठीक है, हम लोग अपना कपास, आपने देखी होगी हमारी जो यहाँ पे मिलती है, हम लोग कपास भेज देते हैं. कपास की अगर हम प्रोडक्ट्स बना के भेजें तो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो, और ये फ़ायदा हम दूसरे मुल्कों को दे देते हैं. वो हमारे से कपास लेते हैं और हमारे से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर हमें भेज देते हैं. हाँ, इतनी महंगी महंगी भेजते हैं कि मैं बता नहीं सकती. तो ये काम हमें चाहिए कि हम इस पे खुद तवज्जा दें, बजाय कि हम दूसरों को ये जिम्मेदारी सौंपें. मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनी तो ऑब्वियसली जहाँ पर आपकी फैमिली का रिएक्शन है, वहाँ पर आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपकी कजन्स वगैरह, आपकी यूनिवर्सिटी फेलोज, उनका भी तो कोई रिएक्शन होगा. आप अभी तक यूनिवर्सिटी गई हैं इस टाइटल को विन करने के बाद? अभी तक मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं गई, बट अभी भी मैं अपनी खाला और रिलेटिव से सबसे मिलकर आ रही हूँ आपके सेट पे. तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी. इवन मैं खाला स्टार्ट करवाएंगे, माशाल्लाह मेरी बेटी जीत गई है ये टाइटल. ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्दा जानी चाहेगी. और मेरे कजन सारे बहुत खुश थे और सब मुबारकबाद दे रहे थे. और यूनिवर्सिटी फेलोज का रिएक्शन? एक्चुअली इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मुझे उनके, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई और मेरा जो फ़ोन है मेरे से संभाला नहीं जा रहा. बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और मेरी मम्मा के पास है. जी, तो वर्दा मरी राव मिस पाकिस्तान ग्लोबल हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद थी. बहुत मज़े की गॉसिप्स थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी आज की वीडियो. डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल कैसे बना जाता है, मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनने के बाद क्या क्या कुछ होता है, और एक मोटिवेशन भी आपको ज़रूर मिली होगी कि आप भी मिस पाकिस्तान ग्लोबल बन सकती हैं और उसका क्राइटेरिया क्या क्या है. उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.